बोला जाता है कि लड़कियों का मायका पराया घर होता है और ससुराल ही उसका असली घर है, लेकिन पाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत घटे इस मामले में मायके में रुकना महिला और उसकी मां के लिए महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि मायके गई पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर एक युवक ने पत्नी और सास पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। आइए देखते हैं विस्तार से। पाड़ी पुलिस थाने के शिवनगर परिसर में मायके गई पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर एक युवक ने पत्नी और सास पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। यह घटना गुरुवार दोपहर को ही आरोपी डिप्टी सिग्नल निवासी 28 वर्षीय राजेंद्र बिहारी लाल साहू टाइल्स फिटिंग का काम करता है। उसकी अप्रैल माह में दुलेश्वरी साहू से शादी हुई। यह दुलेश्वरी की दूसरी शादी है। उससे पहले पति से 4 साल का बेटा है। राजेंद्र को शराब की लत है। उसकी आदत से त्रस्त होकर कुछ दिन पहले दुलेश्वरी मायके रहने आ गई थी। गुरुवार की दोपहर राजेंद्र ससुराल पहुंचा। वह दुलेश्वरी को साथ चलने के लिए कहने लगा और दुलेश्वरी ने इनकार कर दिया। राजेंद्र तब उसे जबरदस्ती ले जाने लग गया। यह देखकर दुलेश्वरी की मां जानकी ने राजेंद्र को जबरन ले जाने से रोका। उसके बाद से आग बबूला होकर राजेंद्र ने चाकू निकाल दिया। उसने पत्नी और सास के सीने और हाथ पर वार कर दिया। दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीएसआर इंगले ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरख कुंभारे ने। कल दिनांक 5/10/2023 दोपहर 2 बजे के दरमियान शिवनगर पार्टी यहाँ पे रहने वाले जानकी देव कुमार साहू और उनकी लड़की दुलेश्वरी राजेंद्र साहू ये दोपहर के घर पे थे। तब जानकी साहू का दामाद राजेंद्र बिहारी लाल साहू ये घर पे आया और अपनी पत्नी को वो लेके जाने के लिए उससे बातचीत कर रहा था। तब उनमें झगड़ा हो गया। उस झगड़े में दामाद राजेंद्र बिहारी लाल साहू इन्होंने उन जानकी दू कुमार साहू इनके छाती के ऊपर चाकू से घाव करके उनको गंभीर जख्मी किया है और दुलेश्वरी साहू इनको भी जख्मी किया है। ये जानकी दू कुमार साहू इनके ऊपर मेयो हॉस्पिटल में इनको भर्ती कर दिया है। उनके उपचार शुरू है। दुलेश्वरी राजेंद्र साहू इनके कंप्लेंट के आधार पर राजेंद्र बिहारी लाल साहू इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान कलम 307 धारा 307 के तहत गुना दाखिल किया है। आरोपी को पाड़ी पुलिस थाने ने अरेस्ट करके 2 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड लिए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।